नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए चलते हैं वहाँ जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। तो दोस्तों आज की रेसिपी हमारी खास है, तो वीडियो को हमारे आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो सबसे पहले हम मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, तो गड्ढे को हमने खोद लिया है, मिट्टी को हम बाहर निकाल लेंगे। मिट्टी को हमने बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों आज हम अमृतसर की कुलचा रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो दोस्तों कुलचा रेसिपी आप लोग तवे पे भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम मटके में कुलचा रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो वीडियो हमारे आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ काटेंगे और थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ काटना है। तो आप सब देख सकते हैं मटका का ऊपर का हिस्सा जो है कट गया है। सब देख सकते हैं मटका जो है दोनों तरफ से कट चुका है। तो ऑक्सीजन जाने के लिए यहाँ पे बगल में हमने थोड़ा सा गड्ढा बनाया हुआ है। तो गड्ढा हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमने लोहे की सरिया लिया हुआ है। तो चलिए हम भट्टी बनाते हैं। तो लोहे की जाली हमारी बनकर तैयार हो गया है। तो लोहे का जाली हम इसलिए बनाए हुए हैं ताकि इस पर हम कोयला रखें, तो हमारा आग जो है कोयला बहुत अच्छे से जले। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के लिए यहाँ थोड़ा सा गड्ढे के बगल में थोड़ा सा होल किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम रखेंगे कोयला। तो जाली के ऊपर मटका रखते हैं, तो इसको बीचों बीच हमें रखना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिट्टी को इस तरह से लोई बना लिया है। मटकी के हम चारों तरफ इस तरह से थोड़ा पैक कर देंगे ताकि हमारे मटके में अच्छे से आँच लगे। मटके को हमें चारों तरफ से इस तरह से पैक करना है और जिस तरह से हम होल बनाए हुए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए उसे हमें नहीं पैक करना है। तो मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइट मिट्टी हमें बनाना है। तो हाथों से हम बहुत अच्छे से इस तरह से पैक कर देंगे चारों तरफ। तो इस तरह से आप तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं मटके में। तो मटकी के चारों तरफ हम सूखी मिट्टी लगाएंगे ताकि मटका हमारा फूटे ना, तो इस तरह से हम चारों तरफ मिट्टी लगा देंगे सूखा वाला। कुलचा रेसिपी बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। हमने 600 ग्राम मैदा लिया हुआ है, मैदे को हमने छन्नी से छान कर साफ कर लिया है। और यहाँ पे हमने 500 ग्राम आलू लिया हुआ है, आलू को हमने छील कर उबाल लिया है। यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर बना लिया है, चाट मसाला है, नमक है, काला नमक है और जीरे को हमने भून कर पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे हमने धनिया और लहसुन का हरा पत्ता लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने मिर्चा लिया हुआ है, मिर्चे को बारीक काट लिया है, प्याज को भी बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमने हरा मेथी लिया हुआ है और मेथी को हमने बारीक काट लिया है, आप यहाँ कसूरी मेथी भी ले सकते हैं। 2 चम्मच चीनी है और यहाँ पे हमने देसी घी लिया हुआ है, आप इस जगह पे मक्खन भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने धनिया को हल्का सा भून कर इसे ददरा कूट लिया है। और यहाँ पे हमने खट्टा होने के लिए आमकुट पाउडर लिया हुआ है, इस जगह आप दही भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुलचा का डो तैयार करेंगे। तो आटे में हम सबसे पहले डालेंगे 3 चम्मच चीनी, तो छोटे वाले चम्मच से 3 चम्मच हम चीनी डाल रहे हैं।
तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो एक चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे बड़े वाले चम्मच से एक चम्मच देसी घी। आप यहाँ मक्खन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो घी को भी हम मैदे में मिक्स करेंगे। घी को हमें बहुत अच्छे से मैश नहीं करना है। तो कहीं कहीं आप सब देख सकते हैं कि घी का जो है गुठलियाँ रह गई हैं, तो बहुत अच्छे से हमें मैश नहीं करना है। तो चलिए आटा का हम डो लगाना शुरू करते हैं। तो आटे का डो थोड़ा गीला होना चाहिए कुलचा बनाने के लिए। कुलचे का डो हमें थोड़ा मीडियम से ज़्यादा गीला करना है। तो आप सब देख सकते हैं कि डो हमारा थोड़ा गीला है। मैदे को हमने थोड़ा सा गीला सान लिया है। तो चलिए हम ऊपर से थोड़ा देसी घी लगा देते हैं। तो घी को हमने लगा दिया है। आटे को हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम कुलचे का स्टफिंग तैयार करते हैं। तो आलू को हम मैश कर लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे प्याज जो हमने बारीक काटा हुआ था। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्चा, धनिया और लहसुन की पत्ती। तो अब इसमें हम अदरक डाल देंगे। मेथी की हरी पत्ती, अमचूर पाउडर। तो अब इसमें हम डालेंगे दरदरा पिसा हुआ धनिया। तो धनिया को हम एक चम्मच डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च जो हमने पिसी हुई थी। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा। तो थोड़ा सा जीरा हम बचा लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे छोटे वाले चम्मच से एक चम्मच काला नमक। और थोड़ा सा हम सादा नमक भी डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देते हैं। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है मसालों की। तो आप इसे समोसे में भी डालकर खा सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे। और मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम कुलचा बनाते समय कुलचा हमारा फटे ना। तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और मैदे को हम अच्छे से स्टफिंग में मिलाएंगे। तो मैदे को हमने स्टफिंग में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो कुलचा का स्टफिंग हमारा बनकर तैयार है। और चलिए आग को हम जलाते हैं। तो आग जलाने के लिए यहाँ पर हमने लकड़ी का कोयला लिया हुआ है और थोड़ा सा हमने उपली पे केरोसिन का तेल डाला हुआ है। तो चलिए इसको हम अंदर रखते हैं। माचिस से हम आग को जलाते हैं। तो आग को इधर हमने जला दिया है। कोयले को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो आग को हमने जला दिया है। अब कुलचे के आटे को हम फिर से मैश कर लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी गीला हमारा मैदे का आटा तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। तो ऊपर से हम थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। तो देसी घी को हमने लगा दिया है। तो देसी घी लगाने से कुलचा जो है लेयर अच्छा बनाता है। तो इसमें 7 लेयर होता है कुलचे में। तो देसी घी को हम अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। तो मैदे को अच्छे से हम फैला देंगे इस तरह से। उसके बाद हम आटे को इस तरह से मोड़ देंगे। हमने मोड़ दिया है, हम दूसरी तरफ से मोड़ेंगे। इसको हमें इस तरह से लाकर मोड़ देना है। उसके बाद इसे हम फिर इस तरह से फैलाएंगे। तो बहुत अच्छे से हमने फैला दिया है। तो इसके ऊपर से हम फिर देसी घी लगाएंगे और इसे भी हाथों से इस तरह से फैला देंगे ताकि ये पूरी तरह से लग जाए।
थोड़ा सा मैदा ऊपर से फिर डालेंगे। मैदे को हम फैला देंगे, तो इसे हम इस तरह से लाकर इस तरह मोड़ देंगे। तो आटा हमारा रेडी हो गया है कुलचा बनाने के लिए। तो आटे को हम इस तरह से लंबा कर लेंगे, उसके बाद लोई बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम लोई काट कर रख लेंगे कुलचा बनाने के लिए। तो कुलचा का हम चकई बना लेते हैं। तो चकई को हमने बना लिया है, तो चकई को हम घुमा घुमा कर थोड़ा सा बीच में कटोरी जैसा बना लेंगे। उसके बाद इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। कुलचे को हम बहुत अच्छे से पैक करेंगे ताकि कुलचा हमारा खुले ना। तो इसे हमने बहुत अच्छे से पैक कर दिया है। अब थोड़ा सा हम परात में रखेंगे पैथन। तो पैथन को हम इस तरह से चकाई थोड़ा दबा देंगे और पैथन इस तरह से मिलाएंगे और पैथन लगाकर इस तरह से हम कुलचे को बढ़ा लेंगे। तो आप यहाँ बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहाँ हाथ से बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों से हम इसे पतला बना लेंगे। तो कुलचा हमारा बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से हम मेथी की पत्ती लगाएंगे और इसे भी हाथों से इस तरह से हम दबा देंगे ताकि मेथी की पत्ती अच्छे से इसमें चिपक जाए। इस जगह पे आप धनिया की पत्ती भी लगा सकते हैं। तो मेथी के पत्ते को हमने बहुत अच्छे से चिपका दिया है। कुलचे को हम मटके के अंदर ले जाकर चिपका देंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि मटके के अंदर कुलचे को हमने चिपका दिया है और आँच भी लग रहा है, तो बहुत ही जल्द हमारा कुलचा होने वाला है। बिल्कुल उसी तरह हम दूसरा कुलचा बनाते हैं। तो चकई को हमने बना लिया है, थोड़ा सा पैथन लगाएंगे। तो हम घुमा घुमा कर इस तरह से कटोरी जैसा गड्ढा बना लेंगे, इसमें स्टफिंग भर लेंगे। तो दूसरा कुलचा हमारा बन रहा है। तो ये भी कुलचा हमारा बनकर तैयार है। तो इस तरह से हम घुमाकर बड़ा कर लेंगे कुलचे को। एक बार पैथर फिर लगाएंगे और दोनों हाथों से इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे इस तरह से। तो कड़छी में हम लगाते हैं देसी घी। कुलचे को हम कछू पे रखते हैं, ऊपर से हम लगाते हैं हल्का सा पानी। अब पानी लगाकर हम इसे मटके में अच्छे से, तो कुलचे को हम मटके में अच्छे से चिपका देते हैं। तो कुलचा हमारा अच्छे से चिपक गया है। तो ये वाला कुलचा हमारा हो गया है। इसे हम मटके से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं काफ़ी फूले फूले कुलचे हमारे बन रहे हैं मटके में। तो अमृतसर की कुलचा हमारा बनकर तैयार है। आप सब देख सकते हैं काफ़ी फूले फूले काफ़ी क्रिस्पी कुलचा हमारा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम सारा कुलचा बनाकर रख लेंगे। तो इस तरफ आप सब देख सकते हैं कुलचा हमारा थोड़ा कम सिका है, तो इसे हम इस तरह से रख कर और घुमा घुमा कर इसे उस तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। तो कुलचा हमारा हो गया है, इसे भी हम ट्रे में रख लेते हैं। ऊपर से लगाते हैं देसी घी। तो कुलचा में हम लगाएंगे देसी घी। तो गर्मा गर्म कुलचा हमारा बनकर तैयार है। अमृतसर का फेमस कुलचा हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों आज मैं जिस तरीके से कुलचा रेसिपी बनाना बता रही हूँ, तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। मटके वाला अमृतसर का प्रसिद्ध कुलचा हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।